ओम शांति। आज 16 जनवरी 2024 है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में इतनी सारी विशेषताएं थीं। एक और खास बात थी जो हमें भी अपने जीवन में धारण करनी है बाबा के कदमों पर चलकर, और वो है कि ब्रह्मा बाबा सिर्फ इसलिए प्रजापिता नहीं बने कि शिव बाबा उनमें आए, लेकिन सचमुच उन्होंने अपना जीवन एक प्रजापिता के रूप से बिताया। हर आत्मा को इतना अपनाया, हर आत्मा के प्रति इतना पिता भाव और इतना वात्सल्य लुटाया जो हर आत्मा उन्हें दिल से अपना पिता मानती है। जिन्होंने उन्हें नहीं देखा साकार रूप में, अव्यक्त रूप में भी बाबा ने उन्हें इतना पिता होने का अनुभव कराया। ये कैसे संभव हुआ? तभी जब बाबा ने हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखी, हर एक आत्मा को उसी शुभ भावना से अपनाया कि गिरी हुई आत्मा भी अपने आप को ऊंचा अनुभव करने लगी और वैसी ही ऊंची बनती गई। तो यही कदम कैसे हम अपना सकते हैं, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो। तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। विश्व महाराजन बनने के लिए ब्रह्मा बाबा ने जो ये पुरुषार्थ किया, हर एक के दिल में राज्य करने का। जब हम सभी के दिलों में राज्य करते हैं तो सहज ही हम विश्व पर राज्य करने के लायक बन सकते हैं। और सबके दिलों पर राज्य करने के लिए, उनके दिल को जीतने के लिए ना केवल उन्हें सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें अपनाने की आवश्यकता पहले है। कई बार हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाबा ने शिक्षा से पहले प्रेम अपनाया। प्रेम से पहले उस आत्मा को अपना बनाया, शुभ भावना रखी उस आत्मा के प्रति कि एक दिन इसको अपने आप समझ में आएगा और ये श्रीमत पर चलेगी। श्रीमत पर ना चलने वाले जो उस समय भी यज्ञ में बीच बीच में कभी विघ्न रूप बनते थे, उनके प्रति भी बाबा ने हमेशा शुभ भावना रखी। फलस्वरूप जो विरोधी आत्मा थी वो भी सहयोगी बन गई, और सहयोगी ही नहीं, कई तो उसमें से बाबा के अनन्य भी बन गए। तो ऐसे ही शुभ भावनाएं रखने से ना केवल हम आत्माओं के दिलों को जीत सकते हैं, लेकिन उनमें भी परिवर्तन ला सकते हैं। कई बार हम कहते हैं हमारी सुनते नहीं, हम कहते हैं लेकिन कोई मानता नहीं, तो वहाँ पर मुख की भाषा नहीं लेकिन मन की भाषा का उपयोग करना है। मन की भाषा जो बाबा ने आज हमें अव्यक्त इशारों में बताई और रोज बता रहे हैं, वो है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करना, अर्थात साइलेंस की शक्ति शुभ भावना के रूप से आत्मा को परिवर्तन करना। जब आत्मा हमारी शुभ भावना से परिवर्तन हो जाएगी, तो यही है साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप। और ऐसे ही प्रकंपन सारे विश्व को परिवर्तन करके फिर से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। ओम शांति।